साइलेंस साइलेंस साइलेंस, रुकिए खड़े रहिए, साइलेंस साइलेंस साइलेंस, मैं आपका साइबर साइलेंस, बड़े आराम से खड़े रहिए बाबूजी, खड़े रहिए। एक ने कहा कि आप इच्छाधारी हिंदू हैं, एक ने कहा कि आप कौन सा हिंदू हैं, इन्होंने कहा कौन सा आपने, ढोंगी हिंदू। कांग्रेस ने कहा कि ढोंगी हिंदू हैं, बीजेपी ने कहा कि आप इच्छाधारी हैं, इच्छाधारी जी। हाँ हाँ, चुनाव आएगा तो इच्छाधारी ये हिंदू है, मंदिर मंदिर प्रतीक जी, सिर्फ बीजेपी को हिंदू हिंदू याद रहता है, हिंदू मुसलमान बिल्कुल ठीक है। ये राहुल जी की टेंशन पता क्यों लेकर बैठे हैं, अभी दिल्ली में जो रैली हुई है, एक जन सैलाब जो आया है उससे इनको घबराहट बहुत हो गई है, और बीजेपी वाले घबराहट पता क्यों है, ये रात को सोते हैं दिन में सोते हैं, राहुल गांधी जी बड़ा याद आते हैं, ये नहीं जोड़ रहे, सोच रहे कि राहुल गांधी जी जोड़ने का काम कर रहे हैं। इन्हें हिंदुत्व तो पता नहीं है कि हिंदुत्व होती क्या, हिंदुत्व वो होती है जो मुसलमान के भी दिल में हिंदुत्व होती है, एक मुसलमान भी हिंदुत्व को मानता है। अगर राहुल जी जा रहे हैं हिंदुस्तान को जोड़ रहे हैं, भारत को जोड़ रहे हैं, तो तुम्हें दिक्कत क्या है, आप अपमान करो तो कुछ नहीं, वो अपमान तो करते ही नहीं है, आप अपमान कर रहे हैं, आप हमेशा बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे प्रतीक जी, महंगाई की बात नहीं करेंगे ये। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है अभी जो, अरे रुको 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 यार, पानी पियो आराम से, आराम से मनोज मनोज पानी पियो मनोज, अभी भगाओगे पीछे से अल्लाह करे बचाओगे तो। प्रतीक जी, जो अभी यात्रा हो रही है, यात्रा का शीर्षक है भारत जोड़ो यात्रा है, अगर ये शीर्षक होता अखंड भारत जोड़ो तो सब स्वागत करते। जो कांग्रेस आजादी के बाद से कश्मीर को अभिन्न भारत का हिस्सा नहीं बना पाए, वो भारत जोड़ो कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, मुझे सख्त आपत्ति है जॉर्ज पुनैया से मिलने पे, क्यों है, उस व्यक्ति का जो इतिहास है, पिछले 7 जुलाई को नरेंद्र मोदी जी को गाली देता है, अमित शाह को गाली देता है, द्रमुक जो की जिसकी सरकार है, बाकी मंत्री को गाली देता है, वो गिरफ्तार होता है, और सबसे बड़ी बात वो पादरी, और रुकिए, वो पादरी जो कहता है कि भारत माता के अशुद्धता से मेरे पैर गंदे हो जाएंगे, इसलिए मैं जूते पहनता हूँ, तो इस मानसिकता का पादरी, अगर जो आप मिलेंगे कल को, आप कहेंगे मैं जो जाके आतंकवादियों से मिलता हूँ, ये कोई ये क्या प्रतीक है आपका। शैलेंद्र जी, देखिए जो पूरा मामला है, अगर वो नहीं, मुद्दे पे सवाल कर, मैं मुद्दे पे ही कह रहा हूँ। देखिए, अगर हम ईसाई धर्मगुरु से मानेंगे तो वो कहेंगे ईसा मसीह धर्मगुरु, भाई वही उन्हीं को भगवान मानेंगे, अगर हम हिंदू धर्माचारी से बात करेंगे तो वो भाई हिंदू देवी देवता, लेकिन ऐसा ना लगे कि कहीं अपमानित हो रहा है कोई, कहीं किसी को अपमानित नहीं किया गया। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, ये देश संविधान से चल रहा है। देखिए, पहले मेरे बात को पूरा हो जाने दीजिएगा, सुन लीजिए, अनुच्छेद 25 देख लीजिए, प्रत्येक धर्म को अपने धर्म का अनुपालन करने, उसके बारे में बताने, उसके बारे में प्रचार प्रसार करने की पूरी अनुमति है, वो उन्होंने किया। अब ये बताइए, अगर मैं अगर कहीं भाई मस्जिद में जाऊंगा तो वहाँ पे अल्लाह के बारे में बात बताएंगे वो, तो इसमें कहाँ पे हिंदू धर्म का, इसमें हिंदू धर्म का अपमान कहाँ हुआ। जो एक लाइन जो मैं लास्ट में कहना चाह रहा था, नहीं एक लाइन, देखिए हिंदू धर्म किस चीज का, जो हमारी जो मान्यता है किसमें है, यहाँ पे वाद विवाद और संवाद विश्वास किया जाता है, शंकराचार्य और मंडन मिश्र का भी आपको संवाद याद होगा, अगर वो, अरे भाई क्यों नहीं जाएंगे, सबको जोड़ने का प्रयास होगा, आपको भी जोड़ने का प्रयास होगा। जॉर्ज पादरी जो विवादास्पद पादरी है, कल को आप आतंकवादी से मिलेंगे क्या, मुझे आप जो ऐसे पादरियों से मिलिए जो स्वागत योग्य हैं, जिनका सब सम्मान करते हैं, किसी को आपत्ति नहीं होगी। जॉर्ज पादरी जो कि भारत माता के अशुद्धता पर जो प्रश्न खड़ा करता है, जूते इसलिए पहनता है, आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे, आप देश में ये जो है ना, यही नौटंकी करेंगे, ये देश के सारे गंदे लोगों को अपने साथ रखेंगे, ये लगातार देश को तोड़ने का काम करेंगे। आप टुकड़े टुकड़े पर आ गए, टुकड़े टुकड़े देश को आप कर रहे हो, देश बेरोजगारी से त्रस्त है, लोग परेशान है महंगाई से, लोगों की अर्थव्यवस्था देश की। प्रतीक जी, ये सर मेरा पूरा परिवार आपके सम्मान में आया है, मैं एक बात खड़ा रहो चुपचाप। क्या नाम है तुम्हारा? अनुराग। बहुत बहुत हल्ला मचाते हो तुम और बहुत डिस्टर्ब करते हो, तुम बहुत डिस्टर्ब, क्या काम करते हो? अभी तो पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई कर रहे हो तो अब ये आलम है, घर में पिताजी ने भेजा जाकर कुछ अच्छा काम कर लेना, पर कहाँ रहने वाले हो? उत्तर प्रदेश का तो मैं समझ गया था, गोंडा में कहाँ, कौन सा मोहल्ला, कौन सा गाँव? माधोपुर। अच्छा, कौन प्रधान है तुम्हारा? हमारा आनंद प्रकाश। मैं कल बात, आज बात कराना शाम को, मैं पिताजी से बात करूंगा कि तुमने पढ़ने भेजा है कि वो क्या वहाँ पे आके खड़ा हो गया थे, हल्लाबाजी करता है, क्या जोड़ रहे हैं भैया? नहीं, ठीक है तुम्हारे ऊपर। हाँ नहीं, कश्मीर नहीं जोड़ पाए, तुमने क्या जोड़ेंगे, समझ गए। ऐसा है, राहुल गांधी जी जिसके साथ जा रहे हैं कि भारत जोड़। क्या नाम है पहले आप बताइए? नाम भूदेव है। भूदेव जी क्या काम करते हैं आप? मैं तो पढ़ाने का काम करता हूँ। अच्छा, टीचर हैं?
नमस्कार, शिक्षक दिवस चल रहा है उसमें मैं आप शिक्षक दिवस में आपको प्रणाम कर लेता हूँ। जब जेएनयू में जाकर के कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति कहते हैं भारत तेरी बर्बादी तक, जंग रहेगी जारी, भारत तेरे टुकड़े होंगे कई हजार इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और जब तक कितने कितने मुद्दे तो क्या ऐसे लोग जो भारत जोड़ो आंदोलन में जुड़े हुए हैं क्या वो भारत जोड़ो का काम करेंगे? वो कभी नहीं कर सकते। पार्टी तो जोड़ नहीं पाए, वो पार्टी नहीं जोड़ पाए, वो देश को जोड़ेंगे जो भारत की बर्बादी। क्या नाम बताया आपने? भूदेव। भूदेव जी कहाँ के रहने वाले हैं, स्कूल कौन सा है आपका? मैं गौतम बुद्ध नगर का हूँ। अच्छा, तो वही स्कूल में है? नहीं है, तो यहाँ पूर्वी यहाँ रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहते हैं, तो किस क्लास के बच्चों तक को पढ़ाते हैं? टेंथ क्लास तक के। टेंथ में। तो विषय क्या है आपका? मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स है, तो लॉजिक वाली चीजें पढ़ाते हैं आप, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। भूदेव जी नाम है इनका, बहुत अच्छी बात है जी। कहाँ जी, कहिए कहाँ से आए? दिल्ली से ही है जी। प्रतीक जी, ये बात करते हैं जब भी हम कुछ भी बात करते हैं, ये करते हैं सिर्फ हिंदुत्व। रुके भाई, रुको भाई, क्या नाम है? नंदनी। हाय हाय, तुम्हें बाकी होता तो डांट देता, मैंने तुम्हें नहीं डांटूंगा मैं। क्यों? इसलिए नहीं डांटूंगा, तुम तो बच्चे हो, तुम्हें क्या डांटे? मेरे बच्चे से सोचे, तुम किससे बात कर रही थी? मम्मी से। तो मम्मी क्या कह रही है? मम्मी बोल रही है कहाँ पर आओ, मैंने की जल्दी से टीवी चला, शो में आ रही हूँ। नंदनी जो है ना, वो जो रत्न निकले थे ना उसमें से वो भी आई थी काम धेनु, तो तुम बस वही हो। अब तुम मतलब मम्मी से पूछना, मम्मी को फोन मिलाओ के दोबारा। हाँ जी बोलो। हाँ। खड़ा रहो जी। सर, रोजगार के विषय पे बिल्कुल भी बात नहीं होती। गरीब का बच्चा सुबह 4 बजे उठ के, एक मिनट चुपचाप रहो भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा है, इसको बंद कर दीजिए जी। सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाता है, उसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया कि 4 साल तक आप अग्निवीर बनेंगे, ठीक है। रेलवे में ग्रुप डी की जॉब थी, ग्रुप डी की जॉब को इन्होंने प्राइवेट कर दिया, निजीकरण कर दिया, ठीक है बेटा। आप रोजगार के विषय पे क्यों बात नहीं करते? आपसे कुछ भी बात करते आप कहेंगे हिंदुत्व देखिए, आप राम मंदिर देखिए, ठीक है, राम मंदिर आस्था का विषय, वो आपने बना दिया, बहुत अच्छा, जाइए, रोजगार के लिए चुना है। अगर आपको हमने सिर्फ निजीकरण के लिए चुना है तो अंबानी और अडानी को खड़ा करिए, बिड लगवाइए और कहिए कि बताइए कौन है। सवाल का जवाब दिया ना, ठीक है, नहीं बड़े बड़े अच्छी बात है, चलने दीजिए बहस, बहस चलने दीजिए, बहस चलने दीजिए, रुकिए रुकिए रुकिए, आ रहा हूँ। हाँ जी बहस चलने दीजिए। देखिए, मेरे भाई ने एक प्रश्न उठाया कि आस्था का विषय जो है ना, हिंदू मुस्लिम ये करते हैं, रोजगार पे बात नहीं करते। हाँ तो आप नहीं बैठ, सुन लीजिए ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोजगार के मुद्दे पे नरेंद्र मोदी सरकार ने कितना बड़ा काम किया है। ये जो बात बार बार, अरे भाई ये पकौड़ा पकौड़ा नहीं, गलत है, ये गलत है, पकौड़े वालों का अपमान करते हैं, पकौड़े वालों का, ये असंगठित क्षेत्र का अपमान करते हैं। मालूम है क्या क्या करते हैं? आप ही डिरेल करते थे, वो जवाब दे रहा था, अब आप डिरेल कर दिया, आदमी का अपमान करते। देखिए, 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह सरकार रही, UPA 1 UPA 2, इस देश के कील तक चीन से बनवा के मंगवाते थे। अब माननीय प्रधानमंत्री जी जब से आए इस देश की सत्ता संभाली, उस समय देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल थी, इस देश का फॉरेक्स रिजर्व खाली था, इस देश के अंदर इन्होंने WTO में साइन करके सब्सिडी को देश के अंदर खत्म करने की बात की, ऑल बोर्ड लाइन ने घोटाले किए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को थामा, इस देश के अंदर मेड इन इंडिया स्टैंड अप इंडिया और ना जाने कितने एंटरप्रेन्योर इस देश में खड़े कर दिए। यही कारण है IMF ने कहा कि भारत जो है विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी। तुम्हारी समस्या तो सॉल्व नहीं हुई, मुझे मालूम है, मम्मी से बता दिया? नंदनी, क्या मम्मी देख रही है? देख रही है, अच्छा, क्या करती हो तुम? मैं यहाँ पे अभी घूमने के लिए आई थी। ठीक है, रुको भाई, नहीं, ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस, ऑफकोर्स आई विल गिव यू चांस, देन पहले जो आर्थिक विषय पे सवाल उठाया है, आर्थिक विषय का सवाल का जवाब ये देंगे जी। जी जी, खड़ी हुई है, कहाँ से आना हुआ? जी मैं द्वारिका से आई हूँ। द्वारिका से, अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? रुक्षा। रुक्षा आपका? रुक्षा, हाँ हाँ, मेरा तलफुज सही है, तो कहाँ से आप आना हुआ आपका? जबलपुर, मध्य प्रदेश। जबलपुर से, भेड़ाघाट है जी, बहुत अच्छी बात जी, मैं आता हूँ आपके पास जी। आपका सवाल? मेरा सवाल ये है कि लोग बोलते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, लेकिन मेरा कहना ये है कि जो सही मायने में रोजगार को डिजर्व करता है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, वो सबके पास जॉब करते हैं, सबको जॉब मिल रही है, सब कर
कर रहे हैं। अगर आप करना ही नहीं चाहोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी। मैं खुद अभी मैं मैटरनिटी लीव पर चल रही हूँ, मुझे 7-8 महीने हुए जॉब छोड़े हुए। अगर मैं भाई ये देखिए बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, बोले तो दीजिए किसी को। हाँ मैटरनिटी लीव पे हैं आप? यस, अभी जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मैं मैटरनिटी लीव पर हूँ। अगर मैं चाहूंगी तो मैं फिर से रिज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरी च्वाइस है कि मुझे नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगी। आप नहीं करेंगी अब आगे जॉब? बिल्कुल करूंगी, क्यों नहीं करूँगी। क्या नाम है आपका? रिया सिंह। रिया जी किसके साथ आई हैं आप? मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। बहुत बहुत आप क्या आपका शुभ नाम? उदय भान सिंह। उदय भान जी आप क्या काम करते हैं? इंडसइंड बैंक में कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसर हूँ। सॉरी, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसर हूँ। कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसर हैं आप, और आपकी पत्नी आप क्या काम करती हैं? मैं एचआर हूँ। एचआर में है, एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में है। पहले तो आपके जो मातृत्व है उसको मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आनंद हो, जीवन में खूब मंगलमय हो, ये पहले शुभकामनाएं देता हूँ। जी हाँ, मैंने हमेशा कहा कि आर्थिक मुद्दे पे बहस बहुत अच्छी होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए। एक तर्क ये है, एक तर्क ये है, एक तर्क वहां खड़ा हुआ है, लेकिन सच ये है कि रोजगार के मुद्दे को मैं बार बार कहता हूं रीडिफाइन करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स रीडिफाइन करिए, और उस मुद्दे पे आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मैं डायल्यूट नहीं कर रहा हूं, मैं हां मुझे आ रहा हूं, मैं ऑफ कोर्स आऊंगा आपके पास, लेकिन अभी तुम्हारे से पहले सवाल पूछ लूं। भैया जी मैं कहना चाहूंगा कुछ। मैं क्या नाम बताओ अपना? मेरा नाम है कृष तिवारी, अमेठी से। हाँ, आज अमेठी वाले बहुत सारे आगे लोग। मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखो मैं स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मेरे को नहीं पता क्या होता है कांग्रेस, क्या होता है भाजपा, लेकिन मोदी जी ने करवाया UWS, उसकी वजह से मेरे भाई का एडमिशन हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ एडमिशन? DTU में। DTU में हो गया? हाँ। और तुम्हारा? मैं भी 11th में हूँ, 11th ए साइंस, ठीक है, वो सब मोदी की वजह से हो रहा है। हमारा स्कूल भी अच्छा नहीं था, हमारा स्कूल भी अच्छा नहीं हो रहा था, ठीक है, हमारे बेरोजगारी रेट बता रहे हो, पढ़ेगा नहीं उसका बेरोजगारी होगी, जो पढ़ेगा उसकी बेरोजगारी होगी। ऑफिशियली मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे रुको 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 भाई, उसको बोला आपने कहा बेरोजगारी का पता करो, अभी तो ये 11th में ही है, तो अभी उतना वहाँ पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन आपके पास ज्यादा मैच्योरिटी है तो आप मैच्योरिटी के साथ सवाल कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सब मोदी जी की वजह से हुआ है। मोदी जी ने बहुत सही कर दिया, ठीक है। क्या सही कर दिया? अभी रुको भाई, बोले दो, मैं आ रहा हूँ आपके पास, इधर जवाब दो। देखो बात होती है ना ऐसी, एक बंदा बोल रहा हो ना, दूसरे बीच में बोलने वाले अनपढ़ कहलाते हैं, एक पढ़ा वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बोला।